हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज भी सबसे पहले जिस जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं पहले कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टिंट, टोन एंड शेड्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि टिंट क्या होता है। टिंट की बात करें तो किसी की ह्यू में वाइट का मिक्सचर टिंट होता है। जैसे कि अगर मैंने कोई ह्यू लिया, रेड कलर लिया, उसके अंदर मैं वाइट ऐड कर रही हूँ एक एक ड्रॉप करके, तो जब तक मैं वो करती रहूँगी एट लास्ट वो वाइट बन जाएगा, वाइट पे आगे रुक जाएगा। तो वो जितनी भी ग्रेड्स बनेंगी वो टिंट होती है। बेसिकली टिंट ये होता है कि किसी कलर को अगर हम लाइटर वर्जन में लेते जाते हैं, जितनी ग्रेड्स बनती रहती है वो टिंट होता है। और अगर हम टिंट की इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो टिंट जो होता है उसका बस लाइटर वर्जन होता है, वो हमें ब्राइट दिखता है बट एक्चुअल में वो ब्राइट नहीं होता। एक्चुअल में वो बस पेल वर्जन होता है कलर का किसी भी। तो टिंट मैं आपको करके बता देती हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, ये मैंने पैटर्न पहले से ही बना लिया है। तो पहले हम टिंट कर रहे हैं, तो मैं पहले ग्रीन कलर दे रही हूँ। आज टिंट, टोन, शेड्स तीनों ही मैं ग्रीन कलर से करूँगी। पहले मैं ये थोड़ा सा ग्रीन कलर पैलेट में डाल लेती हूँ। गाइस, पहले मैं आपको ग्रीन कलर बैकग्राउंड में करके ही दिखा देती हूँ। गाइस, ये मैंने बैकग्राउंड कलर कर लिया है, अब मैं वाइट ऐड कर रही हूँ इसमें। मैं स्पेक्टुला की मदद से वाइट ऐड कर रही हूँ इसमें, ऐसे थोड़ा थोड़ा वाइट ऐड कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने वाइट ऐड कर लिया है, अब बारी है इसको मिक्स करने की। तो मैं आपको मिक्स करके बता देती हूँ। और ये मैंने मिक्स कर लिया, अब मैं आपको कलर करके बताती हूँ। तो गाइस, ये मैंने एक शेड तो कर दिया है, अब बारी है अगली टिंट शेड की। तो मैं फिर से थोड़ा वाइट ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा और लाइटर हो, जैसे मैंने पहले किया वैसे ही। ये मैं थोड़ा सा वाइट ऐड किया। अब बारी है कलर को मिक्स करने की। चलिए मिक्स करते हैं। तो बस अभी मिक्स हो गया, तो मैं आपको अगला डिज़ाइन करके दिखाती हूँ।
ये भी हो गया, अब अगेन मैं वाइट ऐड करूँगी ऐसे ही जैसे पहले किया था वैसे ही। अब वाइट तो ऐड कर दिया, दोबारा इसको मिक्स करना है। मतलब ये प्रोसेस सेम रहती है हमेशा, थोड़ा थोड़ा वाइट ऐड करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये मिक्स हो गया है ऑलमोस्ट, अब मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं टोन की। अगर हम टोन की बात करें तो जैसे कि हमने टिंट में वाइट ऐड किया था, तो इसमें टोन में हम हमेशा ग्रे ऐड करते हैं, लेकिन हमें केयरफुल रहना पड़ता है ग्रे ऐड करते हुए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ग्रे ऐड कर देंगे तो उससे कलर बहुत डल हो जाता है। तो अगर हम टोन की बात करें तो टोन कलर्स जो होते हैं वो बहुत अपनी हमारी आँखों के लिए बहुत प्लीजिंग माना जाता है, क्योंकि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सटल होते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ कि टोन कलर कैसे करते हैं। तो गाइस अगेन मैंने ये पैटर्न बना लिया है, बना के रखा है। तो इसमें हमने ग्रे कलर करना है, तो ये ग्रे कलर मैं पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ग्रे कलर है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक एंड वाइट को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ग्रीन यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बेसिक कलर है, बेसिक ह्यू है। तो पहले मैं ये आपको करके बता देती हूँ।
तो गाइस पहले मैं ग्रे ऐड कर देती हूँ, ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। अब बारी है नेक्स्ट टोन की, तो इसमें जैसे हमने टिंट में वाइट ऐड किया था वैसे इसमें ग्रे ऐड करना, तो ये मैंने ग्रे ऐड कर दिया है। अब कलर को मिक्स करते हैं। हमेशा कलर अच्छे से मिक्स करना चाहिए, वरना ग्रे कोई भी अगर हम किसी से मिक्स कर रहे हैं वो अलग अलग कई बार हो जाता है, दिखता है फिर अलग से, तो इसलिए हमेशा हमें मिक्स अच्छे से करना चाहिए। अब मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। तो गाइस अगेन हम ग्रे ऐड करेंगे। मैं अब ग्रे थोड़ा अलग ले रही हूँ क्योंकि ग्रीन मैंने कुछ ज़्यादा डाल रखा है तो वो शेड्स में काम आ जाएगा, तो अब मैं ग्रे ले रही हूँ थोड़ा। अब मैं जो ग्रीन है उसमें से थोड़ा ग्रीन ले रही हूँ। तो ये मैंने ग्रीन ले लिया। तो बारी है इसको मिक्स करने की, पहले जो लेफ्ट ओवर है वो भी ले लूँ। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। प्रोसेस सेम ही है, टिंट, टोन, शेड तीनों का ही, बस शेड और टोन में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा हम ग्रे या ज़्यादा ब्लैक ना लें। तो ये मिक्स हो गए हैं, अब मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। तो गाइस अब हम बात करते हैं शेड्स की। तो अगर हम शेड्स की बात करें तो
तो किसी भी ह्यू में ब्लैक को ऐड करना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लैक तक लेके जाना, जितनी भी ग्रेड्स बनती है उसको हम शेड्स बोलते हैं। तो अगर हम शेड्स की बात करें तो शेड्स के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा ब्लैक ऐड कर देंगे किसी भी ह्यू में तो वो पूरा ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो इसके बारे में बात करें तो जैसे कि टिंट में आपने मैंने बताया आपको कि वो कलर का बस लाइटर वर्जन होता है, तो ऐसी शेड्स जो होते हैं वो कलर को डार्कन कर देता है। तो बस शेड्स का इतना है। चलो मैं आपको शेड्स भी प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ कैसे होता है। तो गाइस मैंने फिर से ये पैटर्न बना लिया है, तो अब मैं पहले आपको ग्रीन कलर करके दिखा देती हूँ नॉर्मल, फिर उसके बाद हम शेड की टोन्स पे चलेंगे। तो गाइस ये ग्रीन कलर हो गया है, अब बारी है ब्लैक कलर की। तो बिल्कुल एक ड्रॉप मैंने ब्लैक कलर निकाल रही हूँ। ये देखिए ब्लैक हम में जितना कम होए उतना कम लेना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और बहुत जल्दी वो ब्लैक ही दिखता है। मैं लेफ्ट ओवर निकाल लेती हूँ स्पेक्टुला से। तो अब हम मिक्स करते हैं। मिक्स हमेशा अच्छे से करना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। तो ये मैंने मिक्स कर लिया, मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। तो गाइज ये मैंने ग्रीन कलर कर लिया है, अब मैं अगेन ब्लैक ऐड करती हूँ, बिल्कुल एक ड्रॉप ये मैंने ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि नॉर्मल ग्रीन में और ये जो मैंने एक ड्रॉप ब्लैक ऐड किया था कितना फ़र्क है। तो इसलिए हमें ब्लैक हमेशा ध्यान से डालना चाहिए। अब मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ।
गाइस, ये कलर मैंने कर लिया। अब बारी है ब्लैक कलर की। अगेन तो मैं फिर से एक ड्रॉप ऐड करूँगी। हम देख सकते हैं कितना डार्क हो जाता है। तो हमेशा जैसे मैंने आपको बोला, सेफली ब्लैक ऐड करना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। गाइस, ये कलर हो चुका है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, टिंट टोन एंड शेड क्या होते हैं। और एक और चीज़ कि जब हम एक ह्यू के, जैसे ये टिंट हो गया, टोन हो गया, शेड हो गया, अगर हम तीनों को इकट्ठे एक शीट पे ला दें तो वो जितनी भी शेड्स होती हैं उन सबको बोलते हैं मोनोक्रोम। मतलब एक ह्यू के जितने भी शेड्स होते हैं वो मोनोक्रोम बोले जाते हैं। तो गेट से तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।